हेलो फ्रेंड्स और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिवाली बहुत ही पास है, लक्ष्मी पूजन के लिए एक सुंदर सी रंगोली लेके आई हूँ मैं। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिला होगा, तो चलिए मैं आपको आज सिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी कैसे रंगोली बनाते हैं। तो देखिए, मैंने एक थाली ले ली है और थाली से आप सर्कल बना दीजिए। आपको जितना बड़ा रंगोली बनाना है उतनी बड़ी आप थाली लेके या कोई भी सर्कल शेप लेके आप इस तरह से बना दीजिए। यहाँ मैंने पेपर ले लिया है, उसे हाफ फोल्ड करके मैंने लीफ पैटर्न कट किया है। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे मैं आपको बता भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ, फिर से बता रही हूँ ये चीज। तो इस तरह से लीफ कप टेम्पलेट बना दिया है हमने पेपर से। तो ये जो न्यू बिगनर्स है वो लोग आसानी से बना सकते हैं ऐसी रंगोली। तो इस तरह से हम लीफ को पेंसिल से हम ड्रॉ कर देंगे। बाकी रंगोली वाले जो सिखाते हैं, रंगोली तो बड़ी अच्छी बनाते हैं बट वो लोग बताते नहीं है क्या टेक्निक यूज किया है। तो मैं आज आपको सारी टेक्निक भी एक्सप्लेन भी करूंगी और दिखाऊंगी भी आप कितनी इजीली बना सकते हैं। तो जो पहली बार भी ये रंगोली बना रहा है वो भी बहुत सुंदर रंगोली बनाने वाला है। तो इस तरह से मैंने सारे पेटल्स को ड्रॉ कर लिया है, आपको शायद इतनी अच्छी तरह से दिखेगा नहीं। फिर मैं जो दो पेटल्स बनाए हैं उसके बीच में मैं एक और बना दूंगी। तो इस तरह से आप पूरा बना दीजिए। यहाँ मैं छन्नी ले रही हूँ, जो चाय छानते हैं ना वो वाली छन्नी, और इस तरह से आप येलो कलर को डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से पूरे सर्कल में स्प्रेड कर लीजिए। और हाँ, कैसे आपको परफेक्ट सर्कल बनाना है ये देखिए, अंगूठे की हेल्प से इसे इस तरह से क्लीन करते जाना है। ये सारी टिप्स आपको कोई नहीं देने वाला है, ये सिर्फ मिलेगी आर्टी एंड क्राफ्टी पर। तो देखिए कितना परफेक्ट और क्लीन है। यहाँ मैं पिंक और व्हाइट रंगोली को मिक्स करूंगी और तीसरा कलर बना दूंगी। तो इस तरह से हम पहले डाल देंगे लाइट पिंक कलर जो हमने मिक्स करके बनाया है और इस तरह से इसे स्प्रेड कर लेंगे हम। फिर बीच में मैं डालूंगी व्हाइट कलर और नीचे से मैं लगाऊंगी पिंक कलर। ये देखिए इस तरह से बेसिकली मैं यहाँ आपको शेडिंग करना सिखा रही हूँ। शेडिंग बहुत ही आसान होती है पेपर पे भी और रंगोली में भी। ये देखिए इस तरह से, तो हम ये दूसरा पेटल बना रहे हैं। तो इस तरह से आप व्हाइट डाल दीजिए और लाइट पिंक डाल दीजिए और डार्क पिंक नीचे से डाल दीजिए। देखिए शेडिंग होती जा रही है और फिर थोड़ा सा कलर लेकर आप स्प्रिंकल कर दीजिए तो ये सब थोड़ा मिक्स टाइप हो जाएगा। तो व्हाइट कलर से हम लाइन बना देंगे, या तो आप लाइट पिंक कलर से भी बना सकते हैं या तो व्हाइट कलर से भी बना सकते हैं। नीचे से डार्क पिंक डाल देंगे और बीच में लगाएंगे लाइट पिंक और फिर डार्क पिंक लेके इस तरह से चिटकी भर लेना है और इसे स्प्रेड करते जाना है। तो ये देखिए नीचे से डार्क पिंक लगा देंगे, ऊपर से मैं लगा रही हूँ व्हाइट और बीच में हम डाल देंगे लाइट पिंक और फिर पिंक कलर चुटकी भर लेना है और इस तरह से कहीं कहीं हमें स्प्रेड करना है। तो ये ऐसे शेडिंग सा दिख जाएगा आपको। तो इस तरह से आप सारे पेटल्स को कर दीजिए। ये बहुत ही आसान है और अगर आपने मेरा वीडियो देख के अगर ये रंगोली ट्राई कर रहे हैं तो उसकी फोटो मुझे जरूर भेज दीजिए मेरे जीमेल आईडी पे। मेरी जीमेल आईडी मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में है, तो प्लीज आपका नाम भी लिखिए उस जीमेल में ताकि मैं इसे अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर सकूं आपके नाम के साथ। तो बनाइए ना इस टाइप की रंगोली इस दिवाली लक्ष्मी पूजन के दिन। लक्ष्मी माँ भी बहुत खुश होगी क्योंकि ये हम लोटस यहाँ बना रहे हैं, उनको बहुत पसंद है ये। तो इस तरह से हमने सारे पेटल्स को कलर कर लिया है। तो आई होप ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा होगा ये वीडियो देख के ट्राई करना और वो बहुत सुंदर रंगोली बना पाएंगे। तो इस तरह से मैंने सारे पेटल्स को कर दिया है। अब मैं यहाँ दवाई का ढक्कन ले रही हूँ, जो छोटे बच्चों की दवाई सिरप पे आता है ना, बस उसे मैं फिल करके यहाँ दो डॉट्स बना रही हूँ। देखिए यहाँ मैं कोई रंगोली टूल्स नहीं यूज करने वाली हूँ, बेसिक चीज है जो हमारे घर पे होती है उसी को यूज करने वाली हूँ। तो ढक्कन भर लीजिए और इस तरह से देखिए उंगली देखिए मेरी टैप करते हुए डाल दीजिए देखिए, और पेंसिल या पेन लेके इस तरह से होल बीच में आप प्रेस करते जाइए। ये देखिए बहुत ही यूनिक रंगोली बनके रेडी होने वाली है। पेंसिल लेके मैं यहाँ उल्टा एस बना रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो ये मैं लक्ष्मी जी के पाउल बना रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। रेड रंगोली लूंगी और फिर ये जो हमने ड्राइंग किया है पेंसिल से उसके ऊपर मैं इसे भर दूंगी। ये देखिए येलो के ऊपर रेड, तो आपको पता ही है मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है और ये लगने का भी बहुत सुंदर। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक और मेरे साथ सीखिए कैसे आप
ये सुंदर रंगोली कितनी आसानी से घर की चीजों से बना सकते हैं। इस तरह से हम फिल कर देंगे इसे अच्छी तरह से और दूसरा भी इसी तरह से बना देंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ फ्रेश फ्लावर्स ले रही हूँ, रेड कलर का बंच जो आता है फ्लावर का वो लिया है, आपके पास जो भी हो आप वो ले लीजिए। तो यहाँ व्हाइट के ऊपर मैं एक एक फ्लावर इस तरह से रख लूंगी तो एक पैटर्न बन जाएगा, हमें रंगोली की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं फ्रेश फ्लावर्स का भी यूज करने वाली हूँ, तो बनाए ना इस टाइप की अनोखी रंगोली इस दिवाली। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। नॉन क्रिएटिव पर्सन जो पहली बार भी बना रहा है ये रंगोली, वो भी आसानी से बना सकता है। ये देखिए इस तरह से व्हाइट फूल भी रख लूंगी मैं, कितना सुंदर लग रहा है ना ये। तो बनाइए लक्ष्मी पूजा के दिन इस टाइप की रंगोली। यहाँ नीचे भी मैं एक फ्लावर और ये दो लीव्स रख दूंगी। दैट्स इट, हमारी रंगोली रेडी है। यहाँ मैंने एक टी लाइट जला दिया है, आप आसपास बहुत सारी टी लाइट्स भी रख सकते हैं जलाकर। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन हैप्पी आरती एंड क्राफ्टी एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।